हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, देखिए इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या फिर केस में भी पूछ सकते हैं या फिर आपको क्रोन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी और या फिर आप कह सकते हैं आपकी एमसीक्यू एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आईबीडी है इनको हम सिर्फ तीन पॉइंट में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द आईबीडी। ठीक है, इटियोपैथो के बाद हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द आईबीडी और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईबीडी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आईबीडी है क्या। ठीक है, तो आईबीडी क्या है? इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, इम्यून मीडिएटेड क्रॉनिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, मतलब कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और क्रॉनिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो आईबीडी हम दो तरह से है डिवाइड करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, अगर एपिडेमियों की बात करें तो मोर फ्रिक्वेंट इन सेकंड एंड थर्ड डिकेड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है और फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू मेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। तो देखिए, जो हमारा आईबीडी है इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो हमें देखने को नहीं मिलती, मतलब कि किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली किस तरह से होता है, लेकिन कुछ फैक्टर है जो बताते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं कि जो आईबीडी है इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जीनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो 3 to 20 times हायर इंसिडेंस ऑफ अकरेंस इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब कि अगर हमारे पेरेंट्स को है तो 3 to 20 times हायर इंसिडेंस, मतलब कि चांसेस है कि हमें हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50% चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईबीडी इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अगर क्रॉन्स डिजीज के 60% चांसेस है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, मतलब कि एक में हुआ तो 60% चांसेस है दूसरे में होगा ही होगा। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के 6% चांसेस है। जीन एसोसिएशन की बात करें तो CARD15 है। ठीक है, ये जीनेटिक एसोसिएशन है CARD15 का। यहाँ पे क्या होता है, अगर CARD15 जीन है उसकी वजह से हायर चांसेस है, मतलब कि हायर रिस्क है क्रॉन्स डिजीज का। और HLA एसोसिएशन की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस उसके साथ कौन सा एसोसिएटेड है, HLA-DRB1, और क्रॉन्स डिजीज के साथ एसोसिएटेड है HLA-DR7 एंड DQ4। तो ये हो गया हमारा जीनेटिक एसोसिएशन क्या है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, उसमें हायर इंसिडेंस कितना है 3 to 20 times, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 50% चांसेस है, 60% हमारे क्रॉन्स डिजीज और 6% अल्सरेटिव कोलाइटिस। CARD15 जीन एसोसिएटेड है किसके साथ, क्रॉन्स डिजीज के साथ। और HLA एसोसिएशन की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है HLA-DRB1 एंड क्रॉन्स डिजीज के साथ HLA-DR7 एंड DQ4। ठीक है, ये हो गया हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। अब हम सबसे मेन मैकेनिज्म की बात करते हैं, कौन सी, हमारे इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स यहाँ पे आईबीडी में कैसे काम करता है, तो हम आईबीडी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्टिव इम्यूनोलॉजिक रेगुलेशन होता है और उसी की वजह से आईबीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब किस तरह से, ठीक है, हम बात करते हैं कि डिफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इम्यून सप्रेशन, हम बात करते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स लैक ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस टू दी डायट्री एंटीजन एंड कमेंसल फ्लोरा इन इंटेस्टाइनल ह्यूमन। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि अगर देखिए उन बैक्टीरियल फ्लोरा और जो डायट्री एंटीजन है उसकी वजह से क्या होता है, CD4+ T cell एक्टिवेट होता है। ठीक है, और वो क्या सिक्रेट करता है, साइटोकाइंस इनहिबिटरी टू द इन्फ्लामेशन, मतलब कि एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, कौन कौन से, इंटरल्यूकिन-10 और TGF-beta, और वो क्या सप्रेस करते हैं, इन्फ्लामेशन इन द गट वॉल। तो ये हमारी होती है इम्यून सप्रेस मैकेनिज्म। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है इसमें डायट्री एंटीजन और कमेंसल फ्लोरा के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट नहीं होती और इसी की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन नहीं होता। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म डिफेक्टिव हो गई तो क्या हो सकता है, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लामेशन हो सकता है और इसी की वजह से क्या होता है, आईबीडी। ये हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल की बात करते हैं कि इन बोथ टाइप ऑफ आईबीडी, मतलब कि क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस,
activated CD4 plus T cell are present in lamina propria and peripheral blood. अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है उसका जो एपिथेलियल लाइनिंग है ना, एपिथेलियल सेल, इसमें कुछ लीकी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लीकी सेल्स की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल एंटीजन है, ठीक है, कमेंसल फ्लोरा है या फिर डाइट्री एंटीजन, वो कहाँ पे पहुँच जाता है, लेमिना प्रोप्रिया और पेरिफेरल ब्लड तक पहुँच जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, CD4 प्लस टी सेल एक्टिवेट होता है, ठीक है। नॉर्मल में कहाँ पे ये जो लीकी सेल्स के थ्रू लेमिना प्रोप्रिया और पेरिफेरल ब्लड में नहीं पहुँचते, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे जा सकते हैं, हमारे बैक्टीरियल वॉल में इंटेस्टाइनल वॉल में रीच करते हैं, ठीक है। ये एंटीजन है, या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोबियल एंटीजन है, वो कहाँ पे जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में जाते हैं, ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया तक पहुँचते हैं। और इसी की वजह से CD4 प्लस टी सेल एक्टिवेट होता है, ठीक है। जो ये CD4 प्लस टी सेल एक्टिवेट हुआ वो क्या करता है, अदर इन्फ्लामेटरी सेल को रिलीज करता है, या फिर रिक्रूट दी मोर इन्फ्लामेटरी सेल बाय स्टिम्यूलेशन ऑफ द होमिंग रिसेप्टर ऑन ल्यूकोसाइट एंड वास्कुलर एंडोथेलियम, ठीक है। तो ये अगर CD4 प्लस टी सेल एक्टिवेट हुआ तो वो दो तरह से रिएक्ट करता है, या तो फिर अदर इन्फ्लामेटरी सेल को एक्टिवेट करता है जैसे कि मैक्रोफेज और बी सेल, या फिर उन्हें रिक्रूट करता है, कहाँ, कैसे, बाय स्टिम्यूलेटिंग द होमिंग रिसेप्टर ऑन द ल्यूकोसाइट एंड वास्कुलर एंडोथेलियम, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। अब क्या होता है, CD4 प्लस टी सेल है वो दो तरह के होते हैं, TH1 टाइप के और TH2 टाइप के, ठीक है। अगर TH1 टाइप के जो CD4 प्लस टी सेल एक्टिवेट हुए हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ठीक है, मतलब कि सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से, इंटरफेरॉन गामा एंड TNF। और ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है वो क्या स्टिम्यूलेट करते हैं, ट्रांसम्यूरल ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, क्या स्टिम्युलेट करता है, ट्रांसम्यूरल ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। और ये किस में देखने को मिलता है, क्रोन्स डिजीज में। अगर TH1 रिलीज हुआ तो क्या होता है, क्रोन्स डिजीज। और अगर TH2 सेल है वो स्टिम्युलेट होता है तो वो क्या सिक्रेट करता है, इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। और ये क्या स्टिम्युलेट करता है, सुपरफिशियल म्यूकोजल इन्फ्लामेशन। यहाँ पे ट्रांसम्यूरल ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है क्रोन्स में, और TH2 सेल स्टिम्युलेट होने की वजह से क्या होता है, सुपरफिशियल म्यूकोजल इन्फ्लामेशन, जो कहाँ पे देखने को मिलता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो ये हो, इस तरह से काम करता है हमारा इम्यूनोलॉजिक फैक्टर। फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं कि इम्यूनोलॉजिक फैक्टर किस तरह से काम करता है, ये क्या है, डिफेक्टिव इम्यूनोलॉजिक रेगुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोबियल फैक्टर है, मतलब कि माइक्रोबियल एंटीजन है, वो क्या करता है, लीकी एपिथेलियल सेल्स की वजह से हमारी वॉल में आ घुसता है, और इसी की वजह से जो लेमिना प्रोप्रिया है या फिर पेरिफेरल ब्लड है वहाँ पे CD4 प्लस टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, ये जो CD एक्टिवेट हो गया तो अदर इन्फ्लामेटरी सेल को भी एक्टिवेट करेगा, और इसके साथ साथ रिक्रूट भी कर सकता है बाय स्टिम्यूलेटिंग दी होमिंग रिसेप्टर ऑन ल्यूकोसाइट एंड वास्कुलर एंडोथेलियम। देखिए CD4 प्लस टी सेल दो तरह के होते हैं, या फिर TH1 एंड TH2। अगर TH1 सेल है वो स्टिम्यूलेट हो गया तो वो क्या करता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करता है, कौन कौन से, हमारे इंटरफेरॉन गामा एंड TNF, और इसी की वजह से क्या होता है, क्रोन्स डिजीज। और अगर TH2 स्टिम्यूलेट होगा तो वो क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 को सिक्रेट करेगा, और इसकी वजह से होता है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड इटियोपैथो, कौन से, एक्सोजिनस फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, कौन कौन से, जैसे कि माइक्रोबियल फैक्टर्स लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजुआ है, फंजाई है, ठीक है। साइकोसोशल फैक्टर्स भी उसमें भाग लेते हैं, स्मोकिंग की बात करते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इसीलिए हमने कहा था ना फीमेल में ज़्यादा होता है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी IBD करवा सकता है। तो ये हो गई हमारी इटियोपैथो ऑफ दी IBD। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ दी IBD, हमारा सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले हम देखते हैं क्रोन्स डिजीज की मॉर्फोलॉजी। तो देखिए क्रोन्स डिजीज सबसे पहले क्या है वो समझ लेते हैं। जी क्रोन्स डिजीज में क्या होता है, एनी पोर्शन ऑफ द GIT इन्वॉल्व होता है, ये बात आप याद रख लिया, एनी पोर्शन ऑफ द GIT इन्वॉल्व होता है, बट अफेक्ट्स द मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम 15-25 cm ऑफ लेंथ, ठीक है। देखिए एनी पोर्शन ऑफ द GIT में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम को इफेक्ट करता है, ठीक है, 15-25 cm की लेंथ में।
which may extend into the cecum and sometime into the ascending colon. ठीक है, तो ये होगी हमारी क्रोन्स डिजीज। अब हम ग्रोसली देखें कि क्रोन्स डिजीज में होता किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रोन्स डिजीज में स्कीप एरियाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है हमारे क्रोन्स डिजीज का। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल वेल डिमार्केटेड सेगमेंटल बोवेल इन्वॉल्वमेंट विथ इंटरवेनिंग अनइन्वॉल्व एरियाज। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा ल्यूमेन है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये एरिया अफेक्टेड है, उसके बाद अनइन्वॉल्व एरियाज होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से कुछ एरिया अफेक्टेड होता है, फिर अनइन्वॉल्व होता है, फिर अफेक्टेड होता है। तो ये जो है ना हमारा अनइन्वॉल्व एरिया, इसे हम कहते हैं स्कीप एरियाज। ठीक है, तो ये हमारे क्रोन्स डिजीज में देखने को मिलता है। दूसरा हमें होस पाइप अपियरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जो वॉल है हमारी अफेक्टेड बोवेल सेगमेंट की, वो कैसी हो जाती है, ठीक और हार्ड, जो हमारे जो होस पाइप होता है ना गार्डन में, उसी की तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, होस पाइप की तरह। थर्ड वन सिरोजा की बात करें तो सिरोजा में क्या होता है, मे बी स्टडेड विथ मल्टीपल ग्रेन्युलोमा। सिरोजा में क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल ग्रेन्युलोमास देखने को मिलते हैं, सॉरी माइन्यूट ग्रेन्युलोमास देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, और लास्ट में ल्यूमेन की बात करें तो जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट इज मार्कली नेरो। क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे जो अफेक्टेड बोवेल सेगमेंट है वो कैसे हो जाता है, थीक एंड हार्ड। फिर सिरोजा में क्या देखने को मिलता है, माइन्यूट ग्रेन्युलोमा, और इसी की वजह से जो ल्यूमेन है वो कैसे हो जाता है, नेरो देखने को मिलता है। म्यूकोजा की बात करें तो म्यूकोजा में हमें सर्पिजिनस अल्सर्स देखने को मिलता है। ठीक है, और जो इंटरवेनिंग सर्वाइविंग म्यूकोजा है वो कैसे हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है और इसी की वजह से कोबलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है। देखिए किस तरह से होता है, हमारे ईटों की जो दीवार होती है ना उसी की तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा सर्पिंजिनस अल्सर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हो गया, इस तरह से सर्पिंजिनस अल्सर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये सर्पिंजिनस अल्सर है और ये हमारी अनइन्वॉल्व म्यूकोजा है। तो जो ये अनइन्वॉल्व म्यूकोजा है हमारी बोवेल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की, तो ये कैसे, इसमें स्वेलिंग हो जाता है और स्वेलिंग हो जाने की वजह से ये कैसे देखने को मिलती है, इस तरह से कोबलस्टोन, मतलब कि ईंटों की जो दीवार है उस तरह से देखने को मिलती है, कोबलस्टोन अपीयरेंस देता है। ठीक है, ये हो गया हमारी म्यूकोजा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट याद रखना। अगर हम एंड लास्ट वन इज दी बोवेल वॉल, और बोवेल वॉल में क्या देखने को मिलता है, देयर मे बी डीप फिशरिंग। देखिए सर्पिंजिनस अल्सर है उसी की वजह से क्या होता है, डीप फिशरिंग देखने को मिलता है बोवेल वॉल में। ठीक है, तो ये हो गई ग्रोस। ग्रोस में क्या क्या देखना देखा है हमने, ग्रोस में हमने देखा है स्कीप एरियाज, होस पाइप अपीयरेंस, सिरोजा में माइन्यूट ग्रेन्युलोमास, ह्यूमन नेरो हो जाता है, म्यूकोजा में सर्पिंजिनस अल्सर और उसी की वजह से क्या होता है, कोबलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है, और बोवेल वॉल में डीप फिशरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी ऑफ द क्रोन्स डिजीज। तो आपने डेफिनेशन में ही देखा था कि ये क्या है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, हमारे क्रोन्स डिजीज में ट्रांसम्यूलर इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, मतलब क्या, बोवेल वॉल ले लीजिए तो म्यूकोजा से स्टार्ट करके सिरोजा तक पूरा का पूरा अगर आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो सभी लेयर में इन्फ्लामेटरी सेल्स देखने को मिलता है। और वो कैसे सेल होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल, कौन कौन से, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल है, मैक्रोफेज है, और यही हमारा क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर है क्रोन डिजीज का। ठीक है, मतलब कि ट्रांसम्यूलर इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट का। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड वन इज दी नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमास देखने को मिलता है, जैसे हमें सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल दी लेयर ऑफ दी अफेक्टेड बोवेल वॉल इन 60%। देखा ना, ट्रांसम्यूलर इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो ग्रेन्युलोमास है नॉन कैजिएटिंग वो भी 60% केसेस में ऑल लेयर में देखने को मिलता है बोवेल वॉल की, एंड मे बी सीन इवन इन रीजनल लिम्फ नोड। ठीक है, थर्ड वन इज द पेची अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोजा। ठीक है, हमें पता है कैसा होता है, सर्पिंजिनस अल्सर है तो इसी की वजह से पेची अल्सरेशन म्यूकोजा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बीच में अनइन्वॉल्व म्यूकोजा भी होती है। ठीक है, हमने ग्रोस में देखा था ना, और इसी जो पेची अल्सरेशन है उसी की वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन डीप फिशरिंग एंड अकम्पनीड बाई इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेट। जहाँ जहाँ पे पेची अल्सरेशन है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट भी होता है। ठीक है, फिर हमारा वाइडनिंग ऑफ दी सब म्यूकोजा,
ड्यू टू दी इडिमा एंड फोकाई ऑफ दी लिम्फोइड एग्रीगेट एंड लास्ट वन इज दी, अगर क्रोनिक केस की बात करें तो जो फाइब्रोसिस है वो प्रोमिनेंट हो जाता है इन ऑल लेयर और वो डिसरप्ट करता है हमारे मस्क्यूलर लेयर को। ठीक है, ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपी ऑफ दी क्रोन्स डिजीज। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो माइक्रोस्कोपी में देखे तो ट्रांसम्यूलर इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और ये क्या हमारा क्लासिकल माइक्रोस्कोपी फीचर्स है। फिर नॉन कैरेजिएटिंग ग्रेन्युलोमास देखने को मिलता है, पेची अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा देखने को मिलता है और इसी की वजह क्या होता है डीप फीसर्स फॉर्मेशन होता है और सब म्यूकोसा का वाइडनिंग हो जाता है और क्रोनिक केस में जो फाइब्रोसिस वो प्रोमिनेंट होता है ऑल लेयर में और इसी की वजह से जो मस्क्यूलर लेयर वो डिसरप्ट हो जाता है। तो ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपी ऑफ दी क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज देख लिया, अब हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या। ठीक है, क्लासिकली बिगिंस इन रेक्टम। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है स्टार्ट कहाँ से होता है, क्लासिकली रेक्टम से स्टार्ट होता है एंड इन कंटिन्यूटी एक्सटेंड अपवर्ड इन टू द सिग्मोइड कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन एंड देन ट्रांसवर्स कोलन एंड समटाइम्स मे ऑल्सो इन्वॉल्व द एंटायर कोलन, मीन्स के एसेंडिंग कोलन को भी इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, कॉलोनिक कंटेंट की बात करें तो जो कॉलोनिक कंटेंट्स में रेयरली बैकफ्लो इन टू द टर्मिनल इलियम, मतलब कि कॉलोन में से कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाता है, टर्मिनल इलियम में इन कंटिन्यूटी और इसे हम कहते हैं बैकवॉश इलियाइटिस। ठीक है, और ये 10% केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बैकवॉश इलियाइटिस का याद रखना। अब हम बात करते हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारा क्रॉनिक डिजीज है वहाँ पे कैसा इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि स्कीप एरिया एब्सेंट होता है और ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोस फीचर है हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस का और ये रेक्टम और कोलन में देखने को मिलता है। ठीक है, देन वहाँ पे होस पाइप अपीयरेंस था, यहाँ पे गार्डन होस अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो मसल लेयर है वो थीक हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन और वो क्या प्रोड्यूस करता है शॉर्टनिंग एंड नेरोइंग ऑफ द अफेक्टेड कोलन विथ लॉस ऑफ नॉर्मल होस्ट्रल फोल्ड्स और उसे हम कहते हैं गार्डन होल अपीयरेंस। ठीक है, याद रखना यहाँ पे नॉर्मल जो होस्ट्रल फोल्ड्स है उसका लॉस हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द शॉर्टनिंग एंड नेरोइंग ऑफ द अफेक्टेड कोलन और ये किसकी वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड थिकनिंग की वजह से होता है। तो सेकंड पॉइंट गार्डन होस अपीयरेंस। ठीक है, अगर हम म्यूकोजा की बात करें तो म्यूकोजा में क्या होता है शो लीनियर एंड सुपरफिशियल अल्सर्स। ठीक है, और वहाँ पे हमने क्रॉन्स में देखा था सर्पिजिनस अल्सर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरवेनिंग इंटेक्ट म्यूकोजा है, ठीक है, मे फॉर्म इन्फ्लामेटरी। ठीक है, जो इंटेक्ट इंटरवेनिंग इंटरेक्ट इंटेक्ट म्यूकोजा है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसी की वजह से क्या स्यूडो पॉलिप देखने को मिलता है और वहाँ पे हमने क्या देखा था जो इंटरवेनिंग सर्वाइविंग म्यूकोजा है वो स्वोलन हो जाती है और वहाँ पे कोबलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से हमें डिफरेंस याद करते जाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बिकॉज ऑफ द रेमिशन एंड एग्जासर्बेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिव डिजीज प्रोसेस एंड रिजोल्विंग कोलाइटिस। अगर रेमिशन हो गया तो रिजोल्विंग कोलाइटिस और अगर एग्जासर्बेशन हो गया तो एक्टिव डिजीज प्रोसेस। तो हम बात करते हैं कि एक्टिव डिजीज प्रोसेस में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे कोलोन है वहाँ पे क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं तो क्रिप्स का क्या हो जाता है डिस्टोर्शन हो जाता है, उसके बाद डिस्टोर्शन होने के बाद इन्फ्लामेशन हो जाता है, दूसरे हम कहते हैं क्रिप्टाइटिस, और अगर इन्फ्लामेशन में फोकल एक्यूमुलेशन हो गया हमारे न्यूट्रोफिल्स का तो उसे हम कहते हैं क्रिप्ट एब्सेस। ठीक है, तो क्या होता है क्रिप्ट में, सबसे पहले क्रिप्ट डिस्टोर्शन, उसके बाद इन्फ्लामेशन की वजह क्रिप्टाइटिस, और अगर न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन हो गया तो क्रिप्ट एब्सेस देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड वन, जो म्यूकोजल कैपिलरीज है हमारी कोलोन की तो उसमें क्या देखने को मिलता है मार्क्ड कंजेशन हो जाता है, डायलेशन भी हो सकता है और हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड वन इज दी सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे पेची अल्सरेशन था ना म्यूकोजा का, यहाँ पे सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशन है। ठीक है, यूजुअली नॉट पेनिट्रेटिंग इनटू द मसल कोट एक्सेप्ट इन सीवियर केसेस। ठीक है,
इट अकम्पनीड बाई द नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट. वहां पे क्या था? अकम्पनीड बाई इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट. वो कौन कौन से? लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल है, न्यूट्रोफिल्स है, एंड सम इओनोफिल्स एंड मास्ट सेल ऑल्सो प्रेजेंट इन लेमिना प्रोप्रिया. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो गोब्लेट सेल है वो मार्कली डिमिनिश्ड हो जाते हैं इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. ठीक है. और फिर एरियाज ऑफ म्यूकोजल रीजनरेशन एंड म्यूको डिप्लेशन ऑफ द लाइनिंग सेल भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. एंड अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केस मीन्स क्या क्रॉनिक केस की बात करें तो यहाँ पे एपिथेलियल साइटोलॉजिक एटीपिया देखने को मिलता है. और कहाँ उसकी रेंज कितनी है? माइल्ड टू मॉडरेट डिस्प्लेजिया. ठीक है. और समटाइम्स कार्सिनोमा सी टू एंड फ्रैंक एडिनोम कार्सिनोमा भी डेवलप करता है, मीन्स क्या प्रोड्यूस करता है. तो ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपी ऑफ दी अल्सरेटिव कोलाइटिस. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्रिप्ट डिस्टोर्शन, क्रिप्टाइटिस एंड क्रिप्ट एब्सेस देखने को मिल सकता है. ठीक है. जो म्यूकोजल कैपिलरीज है वहाँ पे मार्क कंजेशन हो सकता है, डायलेटेशन भी हो सकता है और हेमरेज भी हो सकता है. सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशन देखने को मिलता है. गोब्लेट सेल मार्कली डिमिनिश हो जाते हैं. एरियाज ऑफ द म्यूकोजल रीजनरेशन एंड म्यूको डिप्लेशन देखने को मिलता है. लाइनिंग सेल एंड लॉन्ग स्टैंडिंग केस में क्या होता है? साइटोलॉजिक एटीपिया देखने को मिलता है. ठीक है, एपिथेलियल सेल में. तो ये हो गई माइक्रोस्कोपी. अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईबीडी. ठीक है. क्रोन्स डिजीज के कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है इन क्रॉनिक केसेस. और जो मेलिग्नेंसी है इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या है? लेट कॉम्प्लिकेशन है और वो रेयरली ही देखने को मिलता है. और अगर देखने को मिली तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारा लिम्फोमा कंपेयर टू एडिनोकार्सिनोमा. ठीक है. हम देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉक्सिक मेगाकोलन, जो अकेले में 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं. ठीक है. अब देखिए टॉक्सिक मेगाकोलन को हम फल्मिनेंट कोलाइटिस भी कह सकते हैं. ठीक है. इसमें होता क्या है? देखिए हमें पता है, हमने माइक्रोस्कोपी में ग्रोस मॉर्फोलॉजी में देखा था कि जो हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ पे क्या होता है? सुडोपोलिप देखने को मिलता है. ठीक है. ये सुडोपोलिप है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बोवेल है उसमें जो फूड बोलस पास होता है ना उस पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि सुडोपोलिप हो गया तो जो ल्यूमेन है वो नेरो हो जाता है और नेरो होने की वजह से जो हमारा बोलस है फूड बोलस वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. और ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से लंबे टाइम तक हमारा जो फूड बोलस है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? ल्यूमेन में. और उसका डिग्रेडेशन भी वहीं पर होता है और डिग्रेडेशन भी होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है? टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं. और जो ये टॉक्सिन रिलीज होते हैं वो क्या करता है? जो हमारा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है उसका डिस्टेंशन करवा देते हैं और उसी को हम कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलन. टॉक्सिक रिलीज हुआ उसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज हुआ उसकी वजह से टॉक्सिक और डिस्टेंशन हो जाता है कोलोन का, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेगाकोलन. ठीक है. तो ये हो गया हमारा टॉक्सिक मेगाकोलन. इसे हम एक्यूट फल्मिनेटिंग कोलाइटिस भी कह सकते हैं. और इसमें क्या होता है? जो अफेक्टेड कोलोन है उसकी जो वो कैसा होता है? थिन वॉल्ड एंड डायलेटेड होता है. हमने देखा ना अभी किस तरह से होता है. और इसी की वजह से इसमें परफोरेशन और फीकल पेरिटोनाइटिस के चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है. ठीक है. हाई रिस्क होता है. और जो डीप पेनेट्रेशन होता है इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट का कहाँ पे? मसल लेयर में वो भी. और इसी की वजह से जो मसल लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा टॉक्सिक मेगाकोलन. नेक्स्ट क्या है? जो पेरिएनल फिस्टुला फॉर्मेशन देखने को मिलता है और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है. लेकिन ये कैसे होता है? वेरी रेयरली देखने को मिलता है. जैसे हमारे क्रॉन्स में मेलिग्नेंसी रेयर थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड पेरिएनल फिस्टुला फॉर्मेशन वेरी रेयर है. और अगर कार्सिनोमा की बात करें तो वो किस में देखने को मिलता है? लॉन्ग स्टैंडिंग केस में देखने को मिलता है जिसकी ड्यूरेशन मोर देन 10 ईयर्स है. अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी को मोर देन 10 ईयर्स है तो उसमें कार्सिनोमा देखने को मिलता है. और मोस्टली कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा कंपेयर टू लिम्फोमा. ठीक है. तो दिस इज दी ऑल अबाउट ऑफ द इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें. अगर आपको आईबीडी की नोट्स चाहिए तो मैंने मेरी एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. Thank you for watching this video and keep watching.